जी शरदाइयां दे रगड़े लग रहे ने नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर, जहां आप सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहां सरदाई पिलाई जा रही है। इधर आप तस्वीरों में देखिएगा किस तरीके से रगड़ा जा रहा है और ये सरदाई क्यों पिलाई जाती है, क्या क्या इसमें मिला होता है। निहंग सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। बाबा जी आप इनको दे दो एक बार, ये देखिए सफ़ेद कलर की जो है, लगातार यहाँ लोगों में सरदाई को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बनी हुई है। सर ये सरदाई आप पिला रहे हो, ये क्यों पिलाई जाती है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो सरदाई है जी, सरदाई होती है खसखस, बादाम, हरी इलायची, काली मिर्च, गिरियां, इस तो तैयार होंगी है सरदाई। ये दसवीं पातशाह तो जो रगड़ा चलता आ रहा है, जो सरदाई तैयार हो रही है। हुण जो एक किसान मोर्चे लगा है, इस गुरु पातशाह दे अरदास बेनती करके ये तैयार की है कि परमेश्वर वाहेगुरु आप अंग संग होके ये सहायता करन। जो सरदाई है ये सरबत संगतां वास्ते है, आए गए वास्ते है। जो संगत इतने पहुंचिया मोर्चे से पहुंचिया दिल्ली बॉर्डर से, मोर्चे से पहुंचिया संगत वास्ते आ जाइए तो गुरु पातशाह जी कृपा करन, ये सरकारों मत बुद्ध बख्शन। जो ये सरकार ये जो सरदाई है, इसको सरदाई का रगड़ा बोला जाता है, जो ये रगड़ रहे हैं, कैसे रगड़ते हैं सर? हाँ जी, ये सरदाई का रगड़ा है। क्या फायदा होता है इस सरदाई का पीने के लिए? ये जो इसमें डाला है ना, बादाम, खसखस, काली मिर्च, हरी इलायची। खसखस आप किशमिश को बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, खसखस जो पोस्त डोडे होते हैं ना, उसमें जो पैदा होती है वो, उसमें उसको खसखस बोलते हैं। तो ये ठंडी होती है, इस जो सरदाई तैयार की जाती है ठंडी होती है। कह रहे हैं कि इसको पीने के बाद आदमी थकता नहीं है, एनर्जी बनी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई नशा नहीं है, ये नुकसान नहीं है, कोई नशा नहीं है। फायदेमंद फायदेमंद है जी, बहुत फायदेमंद है। दिमाग को भी ठंडा रखती है, शरीर को एलर्जी देती है। हाँ जी। अच्छा, ये जैसे अभी देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, यहाँ जो सरदाई का रगड़ा लगाया गया, उसके बाद इस तरीके से कपड़े में छाना जाता है। कितना टाइम लगता है, मतलब काफी रगड़ना पड़ता है, मेहनत तो बहुत लगती है? एक घंटा लग जाता है जे अच्छे से, अच्छे तरीके से रगड़ना हो। ये इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से इसको छाना जाता है और जो छानस बच जाता है वो भी कुछ काम आती है जी। वैसे तो बहुत काम आती है, जे अगर आपको नजला है, जुकाम है, वो इसको दूध में गाड़ के पी लो तो वो भी अच्छा जी बचा हो जाता है। ये देख सकते हैं इधर पीछे देखना, किस चीज़ की सरदाई बनाई जाती है। इसमें बादाम है, किशमिश है, काली मिर्च है, इलायची है, और खसका किसको बोलते हो सर? खसका ये देख सकते हैं, ये इधर आगे करके थोड़ा, ये खसका होता है। और ये किस चीज़ के बीज हैं सर? ये बोई जाती है, किसान बोते हैं, जैसे आपने पंजाब में बोते थे सारे बोते हैं। सूरजमुखी नहीं, सूरजमुखी नहीं। तो किस चीज़ का बीज? ये खरबूजा, ये तरबूज के होते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं खरबूजे के बीज इसमें होते हैं, खसका होता है, इलायची होती है, काली मिर्च होती है। अब इसको एक घंटा आप रगड़ेंगे,
इसको क्या बोलते हो आप? सलोतर। हमारे यहाँ तो मुसल होता है इस टाइप का, लेकिन वो अलग होता है। इसे सलोतर बोलते हैं, इसे सुनहरा बोलते हैं। अच्छा, जिसे हम हरियाणा में कुंडी बोलते हैं सरदार, उसको सुनहरा बोलते हैं, और जिसको मुसल बोला जाता है उसे सलोतर कहते हैं। सलोतर ये शस्त्र का भी काम करता है। अच्छा, शस्त्र का काम करता है ये शस्त्र का, कोई हमला भी हो जाए तो शस्त्र का काम भी दे देता है, मारने के काम। मारने के काम बिल्कुल। यहाँ एक पंथ दो काज के लिए भी रखे हुए हैं, जहाँ बताया जा रहा है कि इसको रगड़ने के भी काम लिया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं युद्ध हो जाए तो इसको शस्त्र के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम पी के भी बताएंगे इसका। सीधी तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं सरदाई को पीने के लिए कितनी दिलचस्पी यहाँ लोगों में देखने को मिल रही है। काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है और हर लोग जो है इस आंदोलन में हर तरीके का टेस्ट जो है यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ खाने को और देखने को मिल रही हैं। ये बाबा जी जो हैं सरदाई, इन्होंने डाल दी है, और पीके भी हम बताएंगे कैसा टेस्ट इसका होता है। हाँ, मीठा होता है, जैसे हरियाणा में कच्ची लस्सी जिसको बोला जाता है, दूध वाला जो मीठा पानी होता है, उस तरीके का इसका टेस्ट है। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलाई गई है, सीधी हमने देखा भी है। और आप भी अगर किसान आंदोलन में आए या फिर किसी निहंग सिंह मोस्टली जो हैं सरदाई बनाते हैं और पिलाते हैं, कभी आप भी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। आंदोलन से जुड़ी हर दिलचस्प अनोखी अद्भुत स्टोरी के लिए बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।